अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 3 लेते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ये हमारे पास है ड्रा ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास हैं x इज इक्वल टू सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहां पे हमें कहा गया है कि थीटा इज पैरामीटर। जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। पहले जो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन आ रहे थे वो अलजेब्रिक थे। अब इसमें जो पैरामीटर के साथ फंक्शन आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसमें ये हमारे पास एक्स के साथ अलग से फंक्शन है, वाई के साथ अलग से फंक्शन है, दोनों की डोमेन में भी डिफरेंस है। तो अगर हम इसको इस वे में रिप्रेजेंट करवाते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करवाना जो है कदरे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन की, क्योंकि थीटा तो सेम है तो थीटा की वैल्यूज अगर हम चेंज करेंगे तो फिर तो इस तरह से नहीं सही बनेगा, क्योंकि पैरामीटर तो हमने दोनों फंक्शन के लिए सेम लेना है। जैसे इसे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमारे पास पैरामीटर टी आ रहा था, उसकी फॉर्म में हमारे पास यानी टी पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन थे। तो हमने उनको सिंपली जो है जो भी पैरामीटर की वैल्यू एक्स के लिए ले रहे थे वही हम वाई के लिए ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीकेंट थीटा की डोमेन और है, टेंजेंट थीटा की डोमेन और है, तो दोनों की डोमेन डिफरेंस होने की वजह डिफरेंट होने की वजह से हम दोनों के लिए डिफरेंट जो है पैरामीटर यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनके स्क्वायर लेके इनको माइनस करते हैं। यानी यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 1 और 2 को हम स्क्वायर लेके उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। स्क्वायर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इधर वाले की जो लेफ्ट साइड है इसका आ रहा है वाई स्क्वायर और हमने करना है माइनस, और इधर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इधर वाला तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो टेन जब हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हम जो है वो 1 लगा सकते हैं और ये हमारे पास फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में जो पैरामीट्रिक था, पैरामीट्रिक फॉर्म को हम सिंपल जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जो है ये एक वेरिएबल यानी वाई को इधर रहने देते हैं, यानी वाई को हम सेपरेट कर लेते हैं। वाई उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर आएगा तो माइनस, यानी हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमें y चाहिए स्केयर ख़त्म करने के लिए, स्केयर रूट ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट, यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस
क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस हमने लेना होता है एक साइड पे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में बन रहा है। और अब हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन के लिमिट्स यानी जो हमने डोमेन लेनी है वो डोमेन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। ये फंक्शन जो है अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो ये जीरो पे जो फंक्शन है ये अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ से कम्प्लेक्स वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पे माइनस वन रखते हैं फिर भी वन हो जाएगा, प्लस वन रखते हैं फिर भी वन हो के वन माइनस वन करके जीरो जीरो जो है वो डिफाइन हो रहा है। प्लस माइनस टू लेंगे फिर भी हो रहा है, प्लस माइनस थ्री लेंगे फिर भी हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो है ये जीरो पे अनडिफाइन हो रहा है। तो लिहाजा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए इसका हमने टेबल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे इसकी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। जीरो पे इसने अनडिफाइन होना है तो जीरो से ग्रेटर और स्मॉलर हम चंद नंबर लेके इसके लिए टेबल ड्रा करते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स, एक्स की वैल्यूज लेनी है और उससे हमारे पास वाई आ जाएगा। वाई हमारे पास है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट इस फॉर्म में। तो अब जीरो तो हमने लेना नहीं, इसे के अकॉर्डिंग हम जो है वो वैल्यूज ले लेते हैं माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। जीरो पे जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी तो जीरो पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। उसके बाद वन टू थ्री और यहाँ हम जो है वो प्लस फोर ले लेते हैं। तो ये जो जीरो है, जीरो पे हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो जीरो के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। जीरो पे जो है जब हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई जो है वाई क्या आ जाएगा, वाई विल बी कॉम्प्लेक्स। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पॉइंट पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे। अब अगर हम ये माइनस फोर ये प्लस फोर दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाएगा, या हम स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं, प्लस माइनस में वन लेते हैं तो ये यहाँ भी जीरो आ जाएगा और यहाँ भी जीरो आ जाएगा। प्लस में ले लें माइनस में ले लें या प्लस में ले लें, जब हम टू लेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू टू स्क्वेयर, माइनस का हो या प्लस का हो बात एक ही है, माइनस वन तो ये फोर हो जाएगा, फोर माइनस वन ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री। स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो दे रहा है प्लस माइनस 1.7 और इधर भी आ जाएगा प्लस माइनस 1.7। उसके बाद जब हम इससे बड़ा नंबर यानी प्लस में 3 ले लें या माइनस में 3 ले लें तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 9 माइनस 1 स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस में 2.8, इधर भी प्लस माइनस 2.8, फिर इससे बड़ा नंबर जो कि 4 है, 4 प्लस में ले लें माइनस में ले लें तो फिर भी हमारे पास उस वक्त आ जाएगा माइनस 4 है या प्लस 4 है, माइनस 1 स्क्वायर रूट। दोनों फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 1 और ये बन जाएगा 15। 15 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.9 प्लस माइनस 3.9 और इधर भी आ जाएगा प्लस माइनस 3.9। तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है
वो ग्राफ ड्रा कर दिया हमने इस फंक्शन का। तो अब इस फंक्शन को यानी ये जो हमने टेबल ड्रा किया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग है हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम जो है इस टेबल को यूज करेंगे। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने से पहले ये देखिएगा, ये ग्राफ पे ये हमारे पास ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव, और इसको हम बार की फॉर्म में जाहिर करेंगे। और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव को हम जो है ये बार के जरिए डिनोट करते हैं। तो अभी हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं टेबल में, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक स्केल एडजस्ट करनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो अभी ये हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास मैक्सिमम 4 तक जा रही हैं प्लस माइनस में, और जो वाई के अकॉर्डिंग है ये हमारे पास वैल्यूज हैं ये 3.9, यानी ये भी अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें ये भी 4 के क्लोज क्लोज पॉइंट पे जा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से ग्राफ ड्रा करना है कि ये हमारी वैल्यूज हैं ये इजीली यहाँ पे ड्रा की जा सके। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये अगर हम ये एक नंबर को जाहिर करने के लिए दो बिग डिवीजन भी लें तो ये इसमें इजीली समा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्केल बनाते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस When big division जो है ये 0.5 को जाहिर करेगी, और जो y axis है y axis के अलावा हमने ऊपर और नीचे 4 तक पॉइंट लेने हैं, तो ये अगर हम इसके लिए भी सेम स्केल रखते हैं तो ये इस पर ड्रा होना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम y axis के अलावा जो है वो वन बिग डिवीजन को वन नंबर के अकॉर्डिंगली जो है वो ड्रा कर देते हैं। तो वन बिग डिवीजन जो है यहाँ पे वन को जाहिर करेगी। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं यानी इस पे नंबरिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये दो जो ब्लॉक हैं ये वन नंबर को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ वन आ जाएगा, 2, 3, और ये लास्ट वाली जो हमारी लाइन है यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम है ही 4। तो इसे के अकॉर्डिंग यानी इससे ज़्यादा अगर हम रिक्वायर होता तो फिर हम उसके मुताबिक अपनी स्केल को जो है वो क्लोज कर देते। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव में वैल्यूज हैं तो यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस के अलावा हम एक बिग डिवीजन को कह रहे हैं कि वो एक नंबर को जाहिर करेगी, तो यहाँ अपवर्ड में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, डाउनवर्ड में आएंगे -1, -2, -3, -4। नीचे वाला नाम भी ड्रा करें क्योंकि ये हमारा पास 4 से भी कम यानी 3.9 तक जा रहा है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज ड्रा करनी है। तो ये हमारे पास आ रही है x की वैल्यू -4 जो कि ये वाली है, इसके सामने देखेंगे तो y हमारे पास आ रहा है 3.9, ये y के सामने ये 4 आ रहा है, 4 से एक पॉइंट हमने नीचे की जानब आ जाना है, तो इधर भी ये 4 -4, तो यह हमारे पास ये आ जाएगा 3.9, वो +3.9, ये -3.9, उससे स्मॉलर वैल्यू यानी उससे छोटा नंबर जो है वो आ रहा है 3, -3 -3 के सामने देखेंगे तो 2.8, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इससे 0.2 हम बैक आ जाएंगे, ये 2.8, और अब माइनस में भी ड्रा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2.8। उसके बाद हम इससे नेक्स्ट नंबर यानी -2 पे आते हैं, तो ये -2 के सामने हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.7, ये 1, और ये 2 से बैक हम जो है वो 0.3 तक आते हैं, तो ये हमारे पास 2.7, इधर भी हमारे पास ये 2.7, यहाँ 1.7 लेना, ये नहीं,
ये यहाँ पे आ जाएगा 1.7 माइनस में, और अगर हम माइनस वन लेते हैं तो उस फॉर्म में ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यहाँ वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये जो अपवर्ड यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए है, ये हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये इस तरह से हमारे पास ये एक कर्व जो है वो बन रही है। तो अब हम जो है पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, वन लेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ रहा है, यानी ये यहीं पे y की कोई वैल्यू नहीं आ रही। टू लेते हैं ये 1.7, ये टू इसके सामने ये 1.7 लेना है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये प्लस में 1.7 या माइनस में 1.7 हो जाएगा। और जब हम प्लस थ्री लेंगे, प्लस थ्री में आ रहा है 2.8, ये हमारे पास टू, ये थ्री, थ्री से 0.2 बैक, ये प्लस 2.3 और ये आ गया माइनस 2.3। इसके बाद जब फोर लेते हैं तो 3.9 या 3.9 प्लस का या 3.9 जब माइनस का, तो अब हम जो है इन पॉइंट्स को मिला के भी ग्राफ जो है वो ड्रा कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है। ये इसका जो है वो पॉजिटिव यानी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है, और इस रीजन के अंदर ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इस पैरामीट्रिक फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिस ग्राफिकली फंक्शन को हमने अल्जेब्रिक फंक्शन में यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके लिए हमने टेबल प्रिपेयर किया, टेबल प्रिपेयर करने के बाद हमने उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर दी। ये स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।